Me tengo. राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन राजधानी दिल्ली से ऐसी कोई ना कोई घटना हमारे सामने आ ही जाती है जो सबको चौंका कर रख देती है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से एक दिल को दहला देने वाली वारदात हमारे सामने आ रही है। दरअसल नजफगढ़ इलाके के एक सैलून में दिन दिहाड़े फायरिंग हुई। सिर्फ फायरिंग नहीं हुई बल्कि उस फायरिंग में दो लोग शिकार भी हुए, और मैं आपको बता दूं कि उन दोनों लोगों की अब मौत हो चुकी है। मृतकों का नाम सोनू और आशीष बताया जा रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि बीते दिन नजफगढ़ के एक सैलून में दो शख्स दाखिल हो जाते हैं। दोनों के हाथ में जो है बंदूक होती है। उसके बाद वो दोनों जो है सोनू और आशीष नाम के एक शख्स के ऊपर फायरिंग करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आया है, जिस पर आप अपनी नजर जरूर डालें। इस फुटेज में आप लोगों को नजर आया होगा कि किस तरीके से जैसे ही वो दोनों बदमाश सैलून में दाखिल होते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। एक शख्स जो है वहां से भागने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि हो सकता है कि उसकी जान बच जाए, जिस कारण वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद वो फायरिंग की घटना का शिकार हो जाता है। जिसके अलावा जो दूसरा शख्स है वो बैठ कर अपनी जान की भीख मांगते हुए उस सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को नजर आया होगा, लेकिन उसके बावजूद उन बेखौफ बदमाशों ने, उन निर्दया बदमाशों ने उस शख्स के पर गोली चला दी। फिलहाल वो दोनों बदमाश कहाँ है और उनका क्या कुछ अपडेट है, इस बात की अभी खबर सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है नजफगढ़ थाने का बताया जा रहा है। जैसे ही घटना जो है घटित हुई, उसके बाद तुरंत ही नजफगढ़ थाने में फोन गया, पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों जो मृतक है उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल में ले जाते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से फायरिंग की गई है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जो भी मृतक है उनका नाम सोनू और आशीष बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सोनू जो है अपना खुद का काम किया करता था, लेकिन उसकी इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। तो हो सकता है कि सोनू जो है इस घटना का शिकार गलती से बन गया हो, लेकिन जो आशीष है बताया ये जा रहा है कि 2 साल पहले भी उनके ऊपर कुछ केस चल रहा था, जिस कारण हो सकता है कि आपसी रंजिश में वो फायरिंग की गई हो। लेकिन जो भी ये पूरा मामला सामने आया है दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से, इसने सबको दहला के रख दिया कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में दिन दिहाड़े फायरिंग की गई। अब वो जो आरोपी है वो आखिरकार कब तक गिरफ्तार होंगे, इस बात की जानकारी तो अभी सामने नहीं आई। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन में तब से जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा जो है कब तक उन आरोपियों को पकड़ा जाता है और कब तक उन्हें सजा दी जाती है। राजधानी दिल्ली में आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं जो सभी को चौंका कर रखते हैं, और इसी से कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में आरोपी इतने ज़्यादा बेखौफ हम लोगों को क्यों नज़र आते हैं, आखिरकार इसका कारण क्या है कि आरोपी इतने ज़्यादा बेखौफ है। अब क्या इसमें हमारा कानून जो है इतना कमज़ोर है कि आरोपियों को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी भी वारदात को अंजाम देंगे तो वो हो सकता है कि बच जाए। इसके अलावा अगर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बात की जाए, जिस पर अक्सर हम लोग जो है आपको बातें करते नज़र आते होंगे, तो वो जो है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ इस वक्त नज़र एक बार फिर से आ रहा है कि किस तरीके से दिन दिहाड़े नजफगढ़ के एक सैलून में फायरिंग हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी को भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके की घटना घट जाएगी। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार कहाँ तक राजधानी दिल्ली में नज़र आती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से आप लोग उस सीसीटीवी फुटेज पर अपनी नज़र ज़रूर डालें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।